थे बेटा, है ना बेटा? आपको मैंने इसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप बताए थे बेटा, एक वाक्य में उत्तर दो रिक्त स्थान। क्योंकि बेटा लेखा शास्त्र आपके लिए नया विषय है, इसके लिए आपको परीक्षा की दृष्टि से मैं एक नंबर के कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को बता रही हूँ। आज अपन बेटा देखेंगे सत्य असत्य, तो ये भी बेटा एक नंबर की दृष्टि से आपके लिए जो है। तो पहला है, प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं। तो आपको मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बेटा सत्य। तो ये आपके लिए प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, ये आपका जो है वो है सत्य। वर्तमान लागत वैकल्पिक मूल्यांकन का आधार है, मतलब जो वर्तमान में वैकल्पिक मूल्यांकन का आधार होती, आप वैकल्पिक जो मूल्यांकन का आधार देती है वह है, ये भी है आपके लिए। वर्तमान में जो वैकल्पिक मूल्यांकन होते हैं ये भी सत्य, ये भी आपका आंसर हुआ सत्य। संपत्ति में ना संपत्ति में से आंतरिक दायित्व घटाने से पूंजी मिलती है, जो संपत्ति होती है उसमें आंतरिक दायित्व घटाएंगे तो आपको पूंजी प्राप्त होगी, नहीं, ये भी आपके लिए इसका आंसर हो गया असत। फिर है उत्पादन की नीति मुद्रा मापन की अवधारणा है, जो उत्पादन की नीति है वह मुद्रा मापन की क्या है, अवधारणा है, नहीं, वो भी क्या हो गया, ये भी आपके लिए इसका आंसर होगा असत्य। द्विपक्षीय सिद्धांत पर आधारित चिट्ठा आधारित है, जो द्विपक्षीय सिद्धांत है उसका आर्थिक चिट्ठा पर वो क्या होती है, आधारित होती है। तो द्विपक्षीय जो सिद्धांत होता है आर्थिक चिट्ठे पर आधारित होता है, ये सत्य। लेखांकन में व्यापारिक लेन देन, जो लेखांकन है उसका व्यापारिक लेन देन लेखा द्विपक्षीय आधार पर होता है, नहीं, ये हो गया असत्य। फिर है पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, तो पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, तो ये आपके लिए इसका आंसर है सकते हैं। फिर है लेखांकन अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होती है, ये भी सत्य है, लेखांकन अवधि एक वर्ष की होती है। फिर है नौवा, चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार, जो चालू व्यापार है उसकी अवधारणा के अनुसार व्यापार को अनिश्चित आयु का माना जाता है, व्यापार जो करते हैं अपन वह उसकी आयु कैसी होती है, अनिश्चित होती है, ये सत्य है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, जो अंतिम मूल्य का स्टॉक है वह समानता लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से अधिक हो कर किया जाता है, तो अंतिम मूल्य का जो अंतिम स्टॉक का मूल्य समानता लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों से अधिक हो पर किया जाता है, ये असत्य। तो इसका आंसर होगा बेटा असत्य। ये परीक्षा की दृष्टि से आप लोग को एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है, आप इनको बुक में देखोगे और इसका आप रिवाइज करोगे। व्यवसाय की इकाई को इसके स्वामी को पृथक माना जाता है, जो व्यवसाय की इकाई है इसके स्वामी को क्या माना जाता है, पृथक माना जाता है, तो जो व्यवसायी होता है तो वह उसका स्वामी हुआ, तो इसलिए आएगा सत्य। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा एक मार्क्स वाले ये प्रश्न है, आप इनको परीक्षा के लिए तैयार करोगे और इनको देखोगे। हाँ, फिर इसके बाद है बेटा सही जोड़ी बनाएंगे, तो सही जोड़ी में वर्तमान समय में लेखांकन का सिद्धांत, तो वर्तमान समय में जो लेखांकन का सिद्धांत है वह क्या है, तो उसके लिए आपको इसके लिए द्विपक्षीय सिद्धांत, तो वर्तमान समय में लेखांकन का सिद्धांत क्या है, द्विपक्षीय। तो
फर्स्ट वाले का आंसर है, वर्तमान समय में लेखांकन का सिद्धांत कितने हैं? तो सिद्धांत कितने हैं? 27 सिद्धांत है। फिर स्थायी संपत्ति कम, तो जो स्थायी संपत्ति है उसका कम कैसा होता है? चालू व्यवसाय की अवधारणा, तो इसका सही आंसर होगा दूसरे का, स्थायी संपत्ति का कम, तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। ठीक है, फिर है दोनों पक्षों का प्रभाव, तो दोनों पक्षों का प्रभाव होता है द्विपक्षीय सिद्धांत में, तो ये तीसरे का आंसर है। फिर संभावित हानियां, तो संभावित हानियां जो है वह होता है रूढ़िवादिता का सिद्धांत, तो ये चौथे का आंसर हो गया। फिर पांचवा है वित्तीय विवरण बनाया जाना, जो वित्तीय विवरण है वह कैसे बनाया जाता है, तो उसकी लेखांकन अवधि की क्या होती है? मान्यता होती है, तो वित्तीय विवरण बनाया जाता है लेखांकन अवधि की मान्यता पर, तो ये फिर छठवा है स्टॉक का मूल्य क्या होता है? स्टॉक का मूल्य होता है दूरदर्शिता पर परिवर्तनीय सिद्धांत, तो इसका छठवे का आंसर हो गया। फिर है एक वित्तीय वर्ष, जो एक वित्तीय वर्ष होता है वह कैसा होता है लेखांकन की मान्यता के लिए, तो एक वित्तीय वर्ष होता है लेखांकन की मान्यता के लिए, तो ये सही जोड़ी में इसका सातवां आंसर हो गया। लेखांकन प्रमाप एक वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्षों के विवरणों के लिए। फिर है ऐतिहासिक लागत का क्या सिद्धांत है? जो ऐतिहासिक लागत है उसका सिद्धांत क्या है? तो ये संपत्ति का वास्तविक लागत ज्ञात करना, मतलब जो संपत्ति का वास्तविक लागत पर लेखा, ये ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत है। व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक है, तो जो व्यवसाय है उसे लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, तो ये हो गया इसका दसवीं का सही। सही जोड़ी को आप अच्छे से देखोगे बेटा और इसको परीक्षा के उसे तैयार करोगे परीक्षा के लिए, तो जरूरी नहीं बेटा कि परीक्षा में सही चौड़ी ये सारी ही आए, इससे कुछ पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है बेटा, ये एक नंबर के प्रश्न हो गया बेटा आपके लिए, सही जोड़ी बना। फिर इसके बाद दो दो नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है, क्या क्या व्यावसायिक लेन देन दो पहलु अवधारणा को गलत सिद्ध कर देता है? कोई भी व्यवसायिक लेन देन होता है जो तो लेन देन है वह द्विपक्षीय अवधारणा को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। फिर आगम का उपार्जन कब होता है? आगम का उपार्जन उस समय होता है जब माल सेवा ग्राहक को हस्तांतरित कर दी जाती है, जो आगम होता है उसका उपार्जन माल या सेवा ग्राहकों को हस्तांतरित कर दी जाती। फिर लेखांकन की किस अवधारणा में लेखांकन को अदत व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित और अनुपार्जित आय का समायोजन करना आवश्यक होता है? तो अनुपता का मिलान जो है अवधारणा के अनुसार अदत व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित और अनुपार्जित आय का समायोजन आवश्यक होता है, तो समायोजित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा दो नंबर के प्रश्न हो गए। फिर खातों तैयार करते समय, जो खाते होते हैं तो तैयार करते समय महत्वपूर्ण सूचनाओं ईमानदारी के साथ प्रकट की जानी चाहिए, उन्हें छुपाया नहीं जाना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ यह सत्य है, खाते तैयार करते समय आपको महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को ईमानदारी के साथ क्या करना चाहिए? प्रकट करना चाहिए। फिर क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि पद्धति का उपयोग स्थिरता एकरूपता के साथ किया जाना चाहिए? बार-बार आप इस बात से सहमत हैं कि लेखांकन पद्धति का उपयोग स्थिरता
एकरूपता के लिए किया जाना चाहिए, हम दिए गए तथ्य से क्या है सहमत हैं। फिर है आधारभूत लेखांकन मान्यता, लिखिए तो जो आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं वह तीन आधारभूत मान्यता, लेखांकन की तीन आधारभूत मान्यताएं हैं। तो पहला चालू व्यवसाय के लिए सुदीर्घ संस्था, संगतता और उपार्जन, ये लेखांकन की तीन आधारभूत क्या है मान्यताएं हैं। तो बेटा परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए दो नंबर वाले प्रश्न। उसके बाद है द्विपक्षीय अवधारणा को सापेक्ष में बताइए। तो इस अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, है ना, डेबिट पक्ष और अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, डेबिट तथा क्रेडिट, और प्रत्येक लेन देन का दोनों पक्षों में समान प्रभाव पड़ता है, इसलिए दोनों पक्ष योग कैसा, दोनों पक्षों का योग सदैव कैसा होता है, एक जैसा या एक समान होता है। मान लीजिए डेबिट में अगर आपका पूरा जोड़ दोनों पक्षों का अगर योग आया 50, तो क्रेडिट का योग भी 50 होगा। तो ये द्विपक्षीय अवधारणा के सापेक्ष बताइए। तो दो पक्ष होते हैं, क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष, और लेन देन का दोनों पक्षों में समान प्रभाव पड़ता है और इन दोनों को योग सदैव समान रहता है। फिर है व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा क्या है। व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक संस्था अपने स्वामी लेन देन पक्षों को प्रत्यक्षता पूर्वक मानी जाती है। फिर चालू व्यवसाय अवधारणा क्या है। चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यापार भविष्य में दीर्घ काल तक चलेगा और अर्थात व्यवसाय का निकट भविष्य में समापन नहीं होगा। तो चालू व्यवसाय अवधारणा क्या है, जो व्यवसाय है, मतलब अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यापार जो है भविष्य में दीर्घ काल तक चलेगा और व्यवसाय का निकट में भविष्य में समापन नहीं होगा। आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न है बेटा, दो नंबर। फिर है मुद्रा अवधारणा क्या है। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों एवं घटनाओं का लेख किया जाता है। मुद्रा माप अवधारणा क्या है। तो इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों घटनाओं का लेखा किया जाता है जिससे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके और अन्य घटनाओं को नहीं, चाहे वे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना, केवल मुद्रा के लेन देन और घटनाओं को मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। फिर लेखा अवधि अवधारणा क्या है। इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय में जीवन काल में सुविधा के दृष्टि से छोटी छोटी लेखा अवधियों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। अवधि के व्यवसाय में लेखों का सारांश मालूम किया जाता है। इन छोटी छोटी अवधियों को लेखांकन में लेखा अवधि कहते से लेखा अवधि अवधारणा कहते हैं। मान्यता के अनुसार व्यवसाय के जीवन काल में सुविधा की दृष्टि से इन्हें छोटे छोटे लेखाओं में अवधियों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और अवधि में व्यवसाय के लेखों का सारांश भी क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है। और छोटी छोटी अवधि में लेखांकन में लेखा अवधि कहते हैं। तो याद के दो नंबर वाले छोटे छोटे प्रश्न थे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। आप इन्हें देखेंगे, याद करेंगे और परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।